नेचर ने हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे उपहार हमें दिए हैं, उनमें से एक उपहार है संतरा। आज हम लोग बात करेंगे एक सुपर फूड संतरा के बारे में। संतरे की बहुत सारी वैरायटीज पाई जाती हैं और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व भी मिलते हैं, जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, थियामिन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, फ्लेवोनॉइड, बहुत सारी चीज़ इसमें पाई जाती हैं। तो ये आपके हेल्थ के साथ साथ आपकी खूबसूरती के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। यह विटामिन सी का बिगेस्ट सोर्स है, इसमें लगभग 83% विटामिन सी पाया जाता है, और अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो ये आपको सर्दी और जुखाम जैसी प्रॉब्लम से बचा के रखता है। इसमें मौजूद एस्कॉर्बिक एसिड और बीटा कैरोटीन कैंसर से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। इसमें जो शुगर पाया जाता है वो नेचुरल शुगर होता है, तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं इसको आसानी से ले सकते हैं। इसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह के फाइबर्स पाए जाते हैं, तो ये जो शुगर है उसके अब्जॉर्प्शन को काफ़ी कम करके आपके ब्लड शुगर के लेवल को भी मेंटेन रखता है। इसमें पाया जाने वाला फाइबर आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, आपके स्टमक और इंटेस्टाइन को हेल्दी रखता है, जिससे आपको एसिडिटी और इनडाइजेशन जैसी परेशानी नहीं होती है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए आपको स्कर्वी डिजीज से प्रिवेंट करता है, आपको गम ब्लीडिंग नहीं होती है। इसमें कैलोरी भी काफ़ी कम अमाउंट में पाया जाता है, इसके कारण से आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है और साथ ही साथ ये आपके बीपी को भी कंट्रोल रखता है। इसको लेने से किडनी स्टोन के फॉर्मेशन का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम करता है, जिसके कारण से ये आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से भी बचाता है। इसमें आयरन ज़्यादा नहीं पाया जाता है, पर विटामिन सी के कारण से ये आयरन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है और आपको एनीमिया की प्रॉब्लम से बचाता है। आप अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो ये उस मेडिसिन के जो अब्जॉर्प्शन का इफ़ेक्ट है उसको बढ़ा देता है, जिससे आपके जो मेडिसिन है वो अच्छे से अब्जॉर्ब होते हैं और आपकी जो डिजीज है वो जल्दी से ठीक हो जाती है। इसमें पाया जाने वाला फॉलिक एसिड आपके ब्रेन के फंक्शनिंग को अच्छा करता है और आपको स्ट्रेस से काफ़ी ज़्यादा दूर रखता है। अगर आपको थकान या कमजोरी लग रही है तो आप ऑरेंज लेते हैं तो आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इसके साथ साथ अगर आप ऑरेंज के छिलके की टी लेते हैं, मतलब उसको सुखा के जो छिलका है उसकी टी लेते हैं, ऑरेंज पील टी लेते हैं, तो ये आपके ओरल हाइजीन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और जो बैड ब्रेथ जैसी प्रॉब्लम है उसको ये सॉल्व करता है। प्रेग्नेंट महिलाओं को तो ऑरेंज जरूर से अपनी डाइट में लेना चाहिए, क्योंकि यह उनके साथ साथ बेबी के हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यह बॉडी में वाटर बैलेंस लेवल को मेंटेन करके रखता है। इसमें पाया जाने वाला फॉलिक एसिड बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट में अच्छा होता है, यह आयरन के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, इसलिए जो RBC है उसका अब्जॉर्प्शन अच्छा होता है और एनीमिया जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसको लेने से मॉर्निंग सिकनेस जैसी प्रॉब्लम भी कम होती है। इसमें फाइबर पाया जाता है तो ये प्रेगनेंसी में होने वाले कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करता है और ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में रहता है। यह स्ट्रेस को भी कम करता है, जिससे प्रेगनेंसी में होने वाले मूड स्विंग्स आपको नहीं होते हैं। हेल्थ के साथ साथ यह खूबसूरती को भी बढ़ाता है। ऑरेंज जूस अगर आप बालों में लगाते हैं या ऐसे भी ऑरेंज को खाते हैं तो यह हेयर फॉल को कम करता है और उसके ग्रोथ को बढ़ाता है। आप ऑरेंज का फेस मास्क यूज कर सकती हैं। अगर आप ऑरेंज के जूस को अपने चेहरे पे लगाते हैं तो जो चेहरे पे ओपन पोर्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं और आपके जो स्किन है वो ग्लो करता है। समर में होने वाले सनबर्न और टैनिंग को दूर करने के लिए ऑरेंज जूस है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप इसको चेहरे पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो सिट्रिक एसिड पाया जाता है वो एक्नी को सुखाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। यह डेड सेल्स को हटाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होते हैं। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, तो ये बढ़ती उम्र के असर को रोक देता है। इसमें कोलेजन पाया जाता है जो आपके स्किन को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाता है। ऑरेंज को खाने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे अगर आप संतरा खाना चाह रहे हैं तो इसको खाली पेट नहीं खाना चाहिए, इसको नाश्ते के बाद लेना चाहिए और रात में आप इसको इसे खाने से बचना चाहिए। अगर आपको हार्टबर्न जैसी प्रॉब्लम पहले से ही है तो ऑरेंज को खाने से बचें या फिर इसका जो उपयोग है आप काफ़ी कम करें। तो उम्मीद है कि इस सुपर फूड संतरा से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपको पसंद आई होंगी और आप इसे अपनी डाइट का एक हिस्सा बनाएंगे।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू।